तेरा गुड आफ्टरनून सर। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, यस ठीक सर, है, यस चलो सर, आ स्टार्ट रही करते है, हैं बेटे अपना आगे। यस सर। हेलो, तो आज अपना आखिरी टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, एंड दैट इज ऑन कास्टिंग डिफेक्ट्स। सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट पैटर्न, पैटर्न मेकिंग, मोल्ड मेकिंग एंड सम कास्टिंग प्रोसेसेस आल्सो। लास्ट में हमारा जो टॉपिक बचता दैट इज वी हैव टू स्टडी अबाउट द कास्टिंग डिफेक्ट्स। आप ये जानते हो कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं, जब उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगाते हैं तो किसी न किसी वजह से वहाँ पे कोई डिफेक्ट्स अराइज हो सकते हैं और उस प्रोडक्ट में वहाँ पर डिफेक्ट्स आ सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स। आप इमेजिन करो कि आपको कोई सी भी, आप जिस कास्टिंग को इमेजिन कर सकते हो जो आप बनाने जा रहे हो, आप प्रोसेस अप्लाई की हैं, उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, किस वजह से वो डिफेक्ट्स आएंगे? कैन यू इमेजिन? हेलो, यस सर, आवाज आ रही? मेरी आवाज क्लियर आप लोगों को? यस सर, यस सर, क्लियर नहीं आ रही सर, क्लियर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है सर। आ रही है बेटे आवाज? यस सर। चलो अपन स्टार्ट करते हैं।
तो आप, मैंने आपको एक सवाल बोला है, और सवाल ये है कि अभी तक अपन ने जो स्टडी किया है, जितनी भी कास्टिंग मेथड्स अपन ने पढ़ी हैं, वेदर इट इज सैंड मोल कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग, प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और कंटीन्यूअस कास्टिंग ऑल्सो, सो विच काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स कैन अराइज इन दीज कास्टिंग्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं वहाँ पर? डिफेक्ट का मतलब हुआ कि हम जो बनाने जा रहे थे वो हमारा वहाँ पर बन के नहीं निकला, तो ऐसे कौन कौन से डिफेक्ट्स वहाँ पे आ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हो आप? कोई भी? Yes, sir, जैसे सर मोल्टन मेटल डालते हैं, श्रिंक होने वाला था एक, तो बिल्कुल सही है, श्रिंकेज वाला, उसके बाद बनती है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसे बोल सकते हैं जैसे सैंड भी चिपक सकता है अगर आप लुब्रिकेंट नहीं डालते कुछ, तो हाँ, गलत हो, लेकिन हम अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक इन्होंने डिफेक्ट बोला कि श्रिंकेज वगैरह हो सकता है, लेकिन श्रिंकेज वहाँ पे थोड़ा कुछ अलग प्रकार से होगा, वो भी यहाँ पर डिफेक्ट होता है यहाँ पे। और कुछ सैंड के दाने उस पर, सैंड ग्रेन्स उस पर चिपक सकते हैं, इसके अलावा और सर उससे जैसे अगर आपने वो डिफेक्ट तो नहीं होगा उसमें, जैसे डालते हुए अगर वो आपने सैंड अगर आपका सही नहीं हो तो, ठीक है, बिल्कुल सही है, सैंड बोने मोल्ड की शेप बिगड़ जाएगी वहां पर, उसकी वजह से हो जाएगा जब मोल्टन मेटल पोर करेंगे। तो अपन को इमेजिन क्या करना है कि जो पैरामीटर्स वहां पे काम कर रहे हैं, आपको देखना, आपको इस यहाँ पे एक चीज इमेजिन करनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ अ सैंड मोल्ड, हम एक सैंड मोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस सैंड मोल्ड में जब मोल्टन मेटल पोर करेंगे तो वहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अब वो डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि यहाँ पे सैंड मोल्ड अपने आप में एक मतलब एक अलग मटेरियल, हाँ कास्टिंग मटेरियल नहीं है, बट इट इज गोइंग टू हेल्प इन मेकिंग कास्टिंग। तो सैंड मोल्ड जो होगा उसका जो मटेरियल होगा दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो सैंड मोल्ड मटेरियल की वजह से भी कुछ कास्टिंग डिफेक्ट्स वहाँ पर आ सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो कास्टिंग मटेरियल है, पोरिंग मटेरियल है, जिसको हम पिघला के मोल्टर मोल्ड के अंदर पोर कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट देखती हैं, नंबर वन, इट द डिफेक्ट्स में अराइज बिकॉज ऑफ द मोल्ड मटेरियल, एंड डिफेक्ट्स में अराइज बिकॉज ऑफ द कास्टिंग मटेरियल ऑल्सो। इसके अलावा और कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमारे पास मोल्ड कैविटी है, उस मोल्ड कैविटी में हमने मोल्टन मेटल पोर किया। अब चूंकि वो मोल्ड कैविटी है, एटमॉस्फेयर में रखी हुई है, तो उसके अंदर एयर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, हो सकता है कि सारी की सारी एयर वहाँ से बाहर ना निकल पाए। जब हम मोल्टन मेटल पोर कर रहे होते हैं तो उस केस में ज़रूरी होता है कि उस मोल्ड कैविटी के अंदर जो भी एयर हो, ऑल दैट एयर मस्ट एस्केप इन द एटमॉस्फेयर आउटसाइड। यदि वो बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, वहाँ पर कुछ कास्टिंग डिफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या होता है कि जो मोल्ड है हमारा, हमने इसीलिए एक नाम लिखा था उसका, ग्रीन सैंड मोल्ड, ठीक है ना। क्या नाम लिखा था वहाँ पे, ग्रीन सैंड मोल्ड। तो ग्रीन सैंड मोल्ड में क्या होता है, कुछ अमाउंट मॉइस्चर होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर क्या होता है, चूंकि हीट के इफेक्ट से वो कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर में कन्वर्ट होता है। अब यदि वेपर भी अंदर वहाँ पे एंट्रप हो गई, वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो उसकी वजह से भी कास्टिंग डिफेक्ट्स वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एयर इंक्लूजन, इनको अपन को बोलते हैं एयर इंक्लूजन है, गैस डिफेक्ट्स हैं, ये होते हैं। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि मोल्ड मटेरियल की वजह से होते हैं, देयर आर सर्टेन डिफेक्ट्स विच कम्स और अराइज बिकॉज ऑफ पोरिंग मटेरियल, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स होते हैं। तो इफ वी कंबाइन ऑल दोज डिफेक्ट्स, देन ऑल दोज डिफेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन दीज फाइव ग्रुप्स, गैस डिफेक्ट्स, श्रिंकेज कैविटीज, मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट्स, पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स एंड मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स। ये पांच ब्रॉड कैटेगरी हैं यहाँ पे, गैस डिफेक्ट्स, श्रिंकेज कैविटीज, मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट्स, पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स एंड मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स। अब हैं क्या, तो इसको फिर से अपन एक करके देख लेते हैं। गैस डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि देखो इसके अंदर क्या क्या लिखा है, ब्लो होल्स, ओपन ब्लोज, एयर इंक्लूजन, पिन होल पोरोसिटी। तो एक गैस डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि मोल्ड कैविटी के अंदर जो गैस या एयर एंट्रैप हुई है, इफ इट रिमेन्स देयर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मेटल, देन देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है ना।
On the other hand, if the mold is having good permeability or porosity, आपको जब मैंने मोल्ड मटेरियल की प्रॉपर्टी बताई थी तो वहां पर बोला था कि यहाँ पे जो मोल्ड मटेरियल है that mold material should have sufficient amount of permeability or porosity because it allows entrapped air or other gases to escape into the atmosphere. यदि वो परमिएबिलिटी कम होती है तो एयर या गैस जो मोल्ड कैविटी के अंदर बन रही है, किसी वजह से वहां पे बनी रहेगी, एंट्रप हो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी. उसकी वजह से कास्टिंग को जब अपन बाद में कटिंग करके देखेंगे या ऊपर से देखेंगे तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स अपन को राइज होंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट ये यहाँ पे इतने प्रकार के डिफेक्ट आते हैं जिसको अपन गैस डिफेक्ट नाम दिया है. बेसिकली दीज डिफेक्ट्स आर बिकॉज ऑफ लो परमिएबिलिटी और लो पोरोसिटी ऑफ द मोल्ड मटेरियल. ठीक है ना, तो ब्लो होल्स है वहां पे, एयर इंक्लूजन है, पिन होल पोरोसिटी, इनको डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे. ये क्लियर हो गया होगा. नंबर टू, श्रिंकेज कैविटीज. अब आप में से किसी ने नाम लिया था कि श्रिंकेज कैविटीज वहां पे एक डिफेक्ट होता है. मैंने माना कि होता है श्रिंकेज कैविटी, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में श्रिंकेज अलाउंस भी पढ़ाया हुआ है. तो हमें श्रिंकेज अलाउंस को और श्रिंकेज कैविटी में या दोनों को एक नहीं मानना, दोनों बिल्कुल अलग अलग है. श्रिंकेज कैविटी का मतलब, श्रिंकेज अलाउंस का मतलब होता है कि वट एवर अमाउंट ऑफ श्रिंकेज कास्टिंग इज गोइंग टू अकर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, सो वी विल इंक्रीज द साइज ऑफ द पैटर्न and due to which the size of the mold will be increased. So once we pour the molten metal, extra amount of molten metal, it will get shrink to the required size. So this shrinkage allowance yahan pe kaam nahi karta hai. This shrinkage cavity is something different. Dekho kya hai, aapko imagine karna padega ek mold jiske andar humne material bhara hua hai. Suppose hum ek duster jaisi casting, duster ka matlab apna jo duster apan board ko rappan mein istemal karte hain, we are going to prepare that type of casting. अब उसमें क्या होगा, जब हमने कैविटी भर दी, मोल्ड कैविटी पूरी की पूरी भर दी, तो उसको भरने के बाद कुछ अमाउंट मोल्टन मेटल जाता है राइजर की तरफ और कुछ अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल कहाँ पे बचा रहता है, ये बचा रहता है गेट, रनर और स्क्रू की तरफ बचा रहता है. ये मेटल भी यहाँ पे श्रिंक होता है. दैट मीन्स वट एवर अमाउंट ऑफ मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द गेटिंग एलिमेंट्स एज वेल एज द मोल्ड कैविटी, कंप्लीट अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल विल गेट सॉलिडिफाइड आफ्टर सम टाइम. तो इसमें जो अधिकतर जो सरफेस एरिया बड़ा होता है वो मोल्ड कैविटी का बड़ा होता है. तो मोल्ड कैविटी का सॉलिडिफिकेशन पहले स्टार्ट हो जाता है. अब मोल्ड कैविटी का जो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, वो होगा एक्सटर्नल सरफेसेस पे, मतलब बाहर की तरफ उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा और अंदर की तरफ मोल्टन मेटल अभी भी लिक्विड स्टेट में बना होगा. ठीक है ना, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी. तो उस जो सॉलिडिफिकेशन की वजह से क्या होगा, क्योंकि श्रिंकेज वहां पर हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बिकॉज देयर चेंज इन द फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, तो उस केस में हल्का सा मटेरियल का रिक्वायरमेंट जनरेट होगा मोल्ड कैविटी के कोर, मतलब मोल्ड कैविटी के बीच की तरफ कहीं पर जनरेट होगा. अब हमारा काम क्या है कि उतना अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल वहां पर प्रोवाइड किया जाए. तो ये जो फंक्शन होता है टू सप्लाई द मोल्टन मेटल ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन इन अ मोल्ड कैविटी, दैट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द राइजर. That means riser is having some amount of molten metal in it. It acts as a reservoir, secondary reservoir, and it supplies molten metal into the mold cavity during solidification. अब यदि ये चीज प्रोसेस सही चलती रहती है, राइजर से मटेरियल निकल के सॉलिडिफिकेशन के दौरान अंदर आता रहता मोल्ड कैविटी के अंदर, तो श्रिंकेज कैविटीज डेवलप नहीं होती हैं. लेकिन यदि किसी वजह से राइजर से निकला हुआ मोल्टन मेटल मोल्ड कैविटी के अंदर नहीं आ पा रहा सॉलिडिफिकेशन के दौरान, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मोल्ड कैविटी के कहीं पे नॉर्मली बीच में या कहीं पे किस्से में वहां पे श्रिंकेज कैविटी डेवलप हो जाएगी. ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का डिफेक्ट है जो अपन को बाहर से बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन यदि अपन इसका एग्जामिनेशन करते हैं, किसका, कास्टिंग का, उसको कट करते हैं, कट करके एग्जामिनेशन करते हैं, तो अपन पाते हैं कि वहां पे कुछ श्रिंकेज कैविटी है और ये होती है. अधिकतर कास्टिंग के केसेस में श्रिंकेज कैविटीज बनती है, और जैसे सैंड कास्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो उन श्रिंकेज कैविटी को हटाने का तरीका है कि अपन उसकी रोलिंग कर लें. जैसे हमने कल आपको कास्टिंग प्रोसेस पढ़ाई थी, दैट कास्टिंग प्रोसेस वाज कंटीन्यूअस कास्टिंग. ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वहां पे उसको यूज करने के पहले हम उसकी दूसरी प्रोसेस करते हैं, मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है रोलिंग. तो रोलिंग के दौरान वो श्रिंकेज कैविटी वहां पे खत्म हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है. तो दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स मैंने आपको अभी हल्के से बताए हैं. एक होता है गैस इफेक्ट, this gas defects arise because of the low permeability or porosity of the mold material and mold, not mold material, mold itself, and number two, shrinkage cavities.
shrinkage cavity is occur because certain kind of hot spots are generated where molten material cannot be supplied, ठीक है ना, तो उस जगह पे यहाँ पे shrinkage cavity बन जाएगी। तीसरा होता है mold material के defect, अब कौन कौन से defects हैं, यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं अपन ने, cuts and bosses, metal penetration, fusion, run out, red tail store, red tails and buckles और swell, ये important mold material के defect होते हैं जो अपन बाद में discuss करेंगे। बेसिकली ये क्यों बन रहा है, क्योंकि किसी वजह से मोल्ड मटेरियल का इरोजन हो रहा है या मोल्ड की साइज में कुछ चेंज आ रहा है या मोल्ड मटेरियल के अंदर पेनिट्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट्स आते हैं, जो कि हमें कहाँ पे देखते हैं, ये देखते हैं कास्टिंग बनने के बाद, कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन के बाद। उसी प्रकार से पोरिंग मेटल के दो डिफेक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, एक लिखा मिश्रण कोल्ड शर्ट, हालांकि दोनों अलग अलग होते हैं, इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं मिश्रण कोल्ड शर्ट, या दोनों अलग अलग भी बताए जा सकते हैं। मिश्रण का मतलब होता है कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ मोल्डर मटेरियल दैट शुड बी सप्लाई टू द मोल्ड, that much amount of molten material is not getting supplied. मतलब यदि हमें 1 किलो molten material supply करना था लेकिन हमने उसमें 900 ग्राम supply किया, तो जो 100 ग्राम की कमी रहेगी वो कहलाएगी यहाँ पे मिश्रण। या किसी और रीजन से mold cavity का requirement suddenly बढ़ गया है, उसमें कुछ swell हुआ, वो उसके dimension बढ़ गए और हमने उसको design किया था 1 किलो के लिए, लेकिन अब उसका requirement होगा 1 किलो 100 ग्राम, हम 1 किलो भले उसकी pouring कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कम अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल पहुंच रहा है, क्योंकि मोल्ड के डायमेंशन चेंज हो चुके हैं। तो ये जो मटेरियल का डेफिशिएंसी होती है, दिस इज नोन एज मिश्रण। और कोल्ड शर्ट होता है कि किसी वजह से दो स्ट्रीम मेटल की वहाँ पे बन जाए, दो अलग अलग सॉलिडिफाई हो जाए, जो आपस में जाके मिलती नहीं है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड शर्ट। सेल स्लैग इंक्लूजन का मतलब शायद आप लोग समझते हो गए, वॉट इज स्लैग, स्लैग आपने पढ़ा होगा वेल्डिंग के दौरान, वेल्डिंग जब अपन करते हैं, जैसे अपन ने की होगी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग अपन करते हैं मेटल के पीस के ऊपर, तो उसके ऊपर एक हल्का सा ब्लैकिश मटेरियल डेवलप हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। वो ब्लैकिश मटेरियल क्या होता है, स्लैग होता है, बेसिकली ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, और चूंकि ये लो डेंसिटी की होती हैं तो मोल्टन मेटल के ऊपर ये फ्लोट करने लगती हैं टॉप में और फिर सॉलिडिफाई हो जाती हैं। तो ये भी चूंकि यदि किसी वजह से स्लैग अंदर चला जाए, चाहे वो वेल्डिंग के अंदर चला जाए या कास्टिंग के अंदर चला जाएगा, तो उस वेल्डिंग को या कास्टिंग को ये वीक करता है, इसलिए एक प्रकार का डिफेक्ट है। इसके लिए अपन ने दो डिफेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, मेटलर्जिकल डिफेक्ट लिखे हैं, एक का लिखा है हॉट टीयर और दूसरा का लिखा है हॉट स्पॉट, ठीक है ना। तो जो हॉट टीयर है उसका मतलब, टीयर का मतलब होता है टूटना, टीयर अपार्ट मतलब टूटना वहां पे, दिस इज नॉट टॉट, दिस इज हॉट, एच ओ टी पर उसको रीड करना आप उसको, एच ओ टी, हॉट टीयर्स। और हॉट टीयर का मतलब होता है कि यदि अपन की कास्टिंग की डिजाइन सही नहीं है, वहां पे कुछ थिन पीसेस भी हैं और कुछ थिक पीसेस भी हैं, और थिन पीसेस जब सॉलिडिफाई होते हैं और उसके सॉलिडिफिकेशन के दौरान उनमें कोई हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन आता है, यदि यह श्रिंकेज होता है, उस श्रिंकेज को यदि जो सैंड मोल्ड है वो रजिस्ट करता है और उसको होने नहीं देता है, तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, पतले वाले सेक्शन में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं हॉट टीयर्स। और हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि वो पोर्शन जो सबसे आखिरी में जाके सॉलिडिफाई होता है मोल्ड के अंदर, वो पोर्शन जो सबसे आखिरी में जाके सॉलिडिफाई होता है, वहां पे जाके कुछ हार्डनेस इंप्रूव होती है, बढ़ जाती है, और ऐसे स्थानों पे यदि अपन मशीनिंग करते हैं तो वहां पे मशीनिंग करने के दौरान हमें क्लियर होता है कि यहाँ पे तो हमारा टूल ब्रेक हो सकता है, कटिंग फोर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाता है, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हॉट स्पॉट था। उस हॉट स्पॉट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनालिसिस के द्वारा, और उनको रिमूव करने के भी तरीके हमारे पास होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डिफेक्ट्स, आप चाहें तो इसका एक शॉट ले लीजिए इसका यहाँ पे, और मतलब ठीक है ना, इसको नोट कर सकते हैं। एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ थोड़ा सा। अभी मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ एक मिनट के लिए। चलो आप लोगों ने नाम नोट कर लिए हैं या मेरी आवाज आ रही है, तो आप हाँ या ना बोल के जवाब दो मुझे। यस सर आ रही है। चलो आगे चलें आप, ये हल्का हल्का सा कुछ इंट्रोडक्शन समझ में आया नहीं आया? आया ठीक है ना सर, एक बार से ये थोड़ी बता देना सर। बिल्कुल सर, पूरा बताऊंगा मैं आपको अभी आगे, ये तो अपन ने सिर्फ नाम लिखे हैं, उनको डिटेल में समझना है अपन को आगे जाके। अच्छा बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को? नो सर, नो सर, नो सर।
नो सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। सर किसी को आवाज आ रही क्या? भाई सर बोल ही नहीं रहा है आवाज। मुझे लगा शायद मुझे ही नहीं आ रही। नहीं सब कुछ आ रही। विकास अभी सर बोल रही है वो सर के। हेलो सर। यस सर। अब आ रही है बिल्कुल परफेक्ट। यस सर। नहीं सर फिर से बोलिए। आपको भी कर लो। यस सर। म्यूट करो अपने आप को। हम इसमें जो पढ़ रहे थे गैस डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे। गैस डिफेक्ट्स क्यों आता है? इट अराइजेस बिकॉज ऑफ पोरोसिटी ऑफ द मोल्ड। ठीक है ना। एक पोरोसिटी होती है मोल्ड मोल्ड मटेरियल की और एक होती है पोरोसिटी ऑफ मोल्ड की। मोल्ड मटेरियल की अपने आप में कुछ पोरोसिटी हो सकती है लेकिन यदि हम उसको रैमिंग बहुत ज्यादा कर देंगे तो जो मोल्ड रहेगी उसकी पोरोसिटी खत्म हो जाएगी या परमिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ब्लो होल्स जैसे यहाँ पे लिखा है दे अपीयर एज स्मॉल होल्स इन द कास्टिंग दे मे बी ओपन टू सरफेस और दे मे बी ब्लो द सर्फेस ऑफ द कास्टिंग। मतलब ऊपर भी हो सकते हैं और बीच में सर्फेस कास्टिंग में कहीं पर भी हो सकते हैं। They are caused due to interrupted bubbles of gases. अभी gases कौन सी हैं?
इस पर हमें विचार करना है. एंड दे मे बी कॉज बाय एक्सेसिवली हार्ड रैमिंग, इम्प्रॉपर बेंडिंग, एक्सेसिव मॉइस्चर और लैक ऑफ पर्मियबिलिटी इन द सैंड. ठीक है ना, तो बहुत सारे रीजन यहाँ पर लिखे गए हैं. सबसे पहले क्या होता है कि ये जो मोल्ड है, इनिशियली इट इज अ ग्रीन सैंड मोल्ड. यदि हमने नॉर्मली जब मल्टा मतलब मास कास्टिंग करते हैं, उस केस में ग्रीन सैंड मोल्ड के अंदर ही मोल्टन मेटल पोर कर देते हैं, तो इस ग्रीन सैंड मोल्ड मतलब इस मॉइस्चर इस मोल्ड कैविटी के अंदर का जो मॉइस्चर होता है, बिकॉज ऑफ द हीट दैट मॉइस्चर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और स्टीम. अब यदि वो स्टीम यहाँ पे जो बनी है, वेपर बने हैं, उसके बबल जो बने हैं, यदि इस मोल्ड की पोरोसिटी बहुत अच्छी है तो वो निकल के बाहर चली जाएगी स्टीम. यदि नहीं है तो यहीं पे एंट्रैप हो सकती है. तो गैसेस उनके लिए लिखा गया है, नंबर वन. नंबर टू, इसमें एयर भी एंट्रैप हो जाती है. ये आप ही मान के चलो कि यहाँ पे जो राइजर लगा है वो राइजर हो सकता है ओपन टू एटमोसफियर, मतलब उसका छेद अपन को बाहर से दिख जाए. हो सकता हो ब्लाइंड टाइप का राइजर हो जो यहीं पर बंद हो. तो जब हम मोल्टन मेटल इसको पोर करते हैं तो मोल्टन मेटल क्या करता है, यहाँ पे भरी हुई एयर को डिस्प्लेस करता है. अब यदि इस मोल्ड की पोरोसिटी अच्छी है तो एयर निकल के बाहर चली जाएगी. यदि नहीं है तो वो एयर यहीं पे बची रहेगी और कुछ अमाउंट में अपना स्थान ले लेगी यहाँ पे. और जब मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होगा तो यहाँ पे अपन को बबल्स दिखेंगे, जिसको अपन बोलते हैं एयर इंक्लूजन. ठीक है ना, ठीक. तो एयर इंक्लूजन, इसके अलावा क्या होता है कि यदि यहाँ पे मॉइस्चर की वजह से स्टीम बनी हुई है, बिकॉज ऑफ हाई वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल एंड बिकॉज ऑफ द मेटलोस्टैटिक प्रेशर, दो चीज काम करती है यहाँ पे. जो स्टीम है उसके ऊपर मेटलोस्टैटिक प्रेशर भी काम करेगा, इसके अलावा हीट भी काम करेगी. तो उसकी वजह से उस स्टीम का डिसोसिएशन होता है. स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाती है, दो चीजों में, चूंकि H2O है, एक प्रकार से पानी है वहां पे, तो वो दो चीजों में डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन नॉर्मली यहाँ पे निकल के बाहर हो जाती है, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मोल्टन मेटल के साथ वो मिक्स हो जाती है. और वो निकलती कब है, जब मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो रहा होता है. तो जब ये मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई हो रहा होता है, उस केस में हाइड्रोजन गैस वहां से निकल के बाहर आती है. और इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बहुत पतले मतलब कम डायमीटर के लंबे लंबे होल्स अपन को यदि देखते हैं तो वो इंडिकेशन है कि वहां पे पिन होल पोरोसिटी है. एयर इंक्लूजन और ब्लो होल जो होंगे, अब अपन डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं कि वो एयर इंक्लूजन की वजह से है या वो ब्लो होल्स मतलब किसी गैसेस का एंट्रैपमेंट की वजह से है. लेकिन उसमें किसी भी रैंडम शेप के होल्स, या तो अपन को होल्स नहीं बोलेंगे उसको, किसी प्रकार की कैविटी अपन को कास्टिंग के ऊपर की सरफेस पर भी दिख सकती है और अपन को अंदर भी दिख सकती है. जैसे मैंने एक फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है, मैंने दिखाया हुआ इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, इसमें कास्टिंग है. कास्टिंग को जो अपन एक प्रकार से रिम जैसा पहिया जैसा यहाँ पे है, उसकी अपन एक्सटर्नल सरफेस की जब मशीनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर अपन को बहुत सारे छोटे छोटे होल यहाँ पे देख रहे हैं. दो होल्स में भी ब्लो होल्स और दो होल्स में भी पिन होल पोरोसिटी. पिन होल पोरोसिटी और ब्लो होल्स में सिर्फ एक डिफरेंस रहता है कि जो पिन होल पोरोसिटी होती है वो ऑकवर्ड शेपर साइज की होती है, लेकिन जो पिन होल पोरोसिटी होती है उसमें बहुत पतले पतले लंबे लंबे होल्स होते हैं, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहे होंगे. यहाँ पे ये छोटे छोटे होल्स हैं यहाँ पे और ये लंबे अंदर तक गए होते हैं. ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से जाके हाइड्रोजन बाहर निकली हुई है. तो हाइड्रोजन जब बाहर निकलती है तो छोटे लंबे होल बनाती है, उसको अपन बोलते हैं पिन होल पोरोसिटी. सो दीज थ्री आर द इम्पोर्टेंट गैस डिफेक्ट्स एंड दीज डिफेक्ट्स अराइज बिकॉज ऑफ एंट्रैपमेंट ऑफ गैसेस और एयर इनसाइड द मोल्ड कैविटी. ठीक है ना, पिन होल अपन को ये देख रहे हैं, ये ब्लो है, ब्लो होल्स हैं या ओपन ब्लोज हैं. ठीक, अब इसमें दूसरा लिखा है श्रिंकेज कैविटी. तो श्रिंकेज कैविटी अपन को दिख रहा है ऊपर की तरफ बनी हुई, क्यों? क्योंकि जब देखो ये कब बनेगी, जब लिक्विड श्रिंकेज चल रहा होगा. लिक्विड श्रिंकेज के दौरान जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट बनता है वो मटेरियल कौन ला के देता है, वो मटेरियल ला के देता है राइजर. अब यदि राइजर यहाँ तक मटेरियल नहीं पहुंचा पा रहा है तो कास्टिंग के अंदर किसी प्रकार की कैविटी डेवलप हो जाएगी. वो ऊपर भी बन सकती है और अंदर की तरफ भी बन सकती है. और ऊपर की जो कैविटी है वो तो अपन को स्पष्ट दिख जाएगी. बट वॉट एवर कैविटी विच अराइज बिकॉज ऑफ द श्रिंकेज इनसाइड द कास्टिंग दैट कैन बी असेस्ड ओनली बाय एग्जामिनेशन. हम इसको कट करेंगे, जब एग्जामिनेशन करेंगे तभी इसका पता चलेगा. तो गैस डिफेक्ट हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसकी रेमेडी क्या है, कि हम इसकी एक्सेसिव रैमिंग ना करें, मोल्ड की एक्सेसिव रैमिंग ना करें, नंबर वन. और श्रिंकेज कैविटी हटाने का तरीका है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज स्पॉट्स वेयर मटेरियल इज गोइंग टू सॉलिडिफाई एट द एंड. और हम व्यवस्था करें कि राइजर की डिजाइन ऐसी करें कि उस जगह तक मटेरियल को मोल्टन मेटल को सप्लाई कर सके, तो श्रिंकेज कैविटी को अपन रेमेडी कर सकते हैं, हटा सकते हैं.
ठीक है। अगला डिफेक्ट आता है मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट। देखो इतने सारे जो डिफेक्ट लिखे हैं ये अपन ने मोल्ड मटेरियल की वजह से लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है कट्स एंड वासेस। कट्स एंड वासेस के लिए क्या लिखा है कि दीज आर कॉज्ड व्हेन द लिक्विड मेटल इरोड्स अवे पार्ट ऑफ द मोल्ड एंड पोरिंग इन एंड सैंड डजंट हैव एनफ हीट स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट इट। एक्चुअली क्या होता है, मोल्टन मेटल जैसे अपन इसमें देखा था फ्लो होगा इसके अंदर से, अब किसी जगह पे यदि ये फ्लो हो रहा है, फ्लो होने के साथ साथ अपना अपने साथ मोल्ड मटेरियल बहा के ले जा रहा है, तो उस जगह से क्या होगा, मोल्ड मटेरियल डिसलॉज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मान लो मोल्ड कैविटी के अंदर यहाँ से हल्का सा उसने मटेरियल डिसलॉज कर दिया, तो वहां पे जाके क्या चला जाएगा, वहां पर इकट्ठा हो जाएगा मोल्टन मेटल और बाद में वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो उसमें अपन को वहां पर कुछ कट्स एंड वासेस जैसी चीजें वहां पर दिखेंगी। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि लिक्विड निकल रहा माने पेनिट्रेट कर रहा है मोल्ड के अंदर किसी वजह से, चूंकि मोल्ड मटेरियल जो है उसके अंदर क्या क्या चाहिए, तीन चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है सैंड ग्रेन सिलिका सैंड ग्रेन, दूसरा है क्ले, तीसरा है मॉइस्चर। अब यदि क्ले किसी जगह से खत्म हो जाए या अपनी किसी प्रॉपर्टी की वजह से वो पीछे की तरफ हट जाए तो क्या होगा, उतनी जगह पर मोल्टन मेटल पेनिट्रेट कर पाएगा। इसके दो कारण हो सकते हैं कि हमने जो सैंड है उसको लूजली रैम किया हुआ है नंबर वन, और नंबर टू क्ले हो रहा है तो उसकी वजह से मेटल पेनिट्रेट करेगा और वो निकल के बाहर भी आ सकता है, अपन को दिख भी सकता है वहां पे। फिर तीसरा लिखा गया फ्यूजन। फ्यूजन का थोड़ा सा पेनिट्रेशन थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सर, आवाज का आपको थोड़ा क्लियर नहीं था। अच्छा देखो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन फ्लूडिटी ऑफ लिक्विड मेटल इज हाई इट मे पेनिट्रेट इनटू सैंड मोल्ड और सैंड कोर, कोर तो भूल जाओ सैंड मोल्ड के अंदर चला जाएगा, causing casting defects, casting surface to consist of a mixture of sand grains and metal. यदि किसी वजह से मोल्ड के अंदर जो सैंड मटेरियल कौन कौन सा है वहां पे, सैंड ग्रेन है, क्ले है और मॉइस्चर है, मॉइस्चर तो हट जाएगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, अब बची कितनी चीजें, दो चीजें बची वहां पे, नंबर वन मोल्ड मटेरियल और नंबर टू सॉरी सैंड मोल्डिंग सैंड और नंबर टू क्ले। यदि किसी वजह से क्ले पीछे होता है या वर्न हो जाता है तो उतनी जगह में अकोमोडेट क्या करेगा, वो अकोमोडेट करेगा मोल्टन मेटल। और किसी वजह से यदि हमने सैंड मोल्ड को लूजली रैम किया हुआ है, रैमिंग कम की है, तो क्या होगा, जिस जगह पे भी रैमिंग कम होगी उस जगह पे मेटल अपने मेटलोस्टैटिक प्रेशर की वजह से पेनेट्रेट कर जाएगा मोल्ड के अंदर, तो कई बार वो निकल के बाहर आ सकते हैं। बहुत लूजली रैम किया हुआ नहीं किया है तो वो मोल्ड के अंदर ही रहेगा, लेकिन वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और सॉलिडिफिकेशन के बाद जब अपन कास्टिंग निकालेंगे तो उसके ऊपर हल्के से कुछ चीजें चिपकी हुई दिखेंगी, तो उसको अपन बोलते हैं पेनिट्रेशन, जैसा फिगर यहाँ पे दिख रहा है। तो किसकी वजह से हुआ है, ये लूज रैमिंग की वजह से हुआ है या क्ले सही नहीं है, ठीक है ना। तीसरा लिखा अपन ने फ्यूजन। फ्यूजन क्या चीज होती है, फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग। यदि सैंड ग्रेन्स है उसकी सफिशियंट रिफ्रैक्टरीनेस नहीं है तो वो हीट की वजह से, हीट के इफेक्ट की वजह से कुछ पोर्शन मोल्ड के अंदर की जो सैंड है वो क्या हो जाएगी, क्लास चली बेटा बस पांच मिनट रुक जा, तो जो वो क्या हो जाएगी वहां पे बर्न हो जाएगी, बर्न होने के बाद वो चिपक जाएगी इसके ऊपर, इस कास्टिंग की एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। और वो एक ग्लासी अपीयरेंस, कांच जैसा अपीयरेंस आपको देगी। एक्चुअली जो ग्लास होता है वो सिलिका का बना होता है, तो ये चिपकने के बाद वो जो सैंड है जिसकी सफिशियंट रिफ्रैक्टिवनेस नहीं है वो यहाँ पे पिघलेगी, पिघलने के बाद इस कास्टिंग की एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर चिपक जाएगी और ग्लासी अपीयरेंस अपन को देगी, तो ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। फिर होता है रनआउट। रनआउट का मतलब मोल्टन मेटल किसी वजह से लीक कर दिया। पेनिट्रेशन का मतलब क्ले की वजह से या हल्का सा रैमिंग कम होने की वजह से पीछे हो रहा, लेकिन रनआउट का मतलब वो निकल के बाहर ही आ रहा है। जैसे हमने बेंडिंग होल दिए हैं, बेंट होल अपन जो बनाते हैं वो गैस निकालने के बनाते हैं, लेकिन कई बार यदि बेंट होल बहुत लंबे हो जाए, बड़े हो जाए, तो उससे निकल के कास्टिंग मटेरियल बाहर आ जाएगा, तो कास्टिंग मटेरियल तो बाहर आएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो कास्टिंग के साथ चिपका रहेगा, तो इसको अपन बोलते हैं रनआउट। रेड टेल्स एंड बकल से एक प्रकार का पेनिट्रेशन ही है, लेकिन कुछ कम क्वांटिटी में होता है और एक स्पेसिफाइड कॉर्नर्स पे वहां पर हो सकता है, जिसको अपन रेड टेल मतलब चूहे की पूंछ, इसलिए वो बिल्कुल कास्टिंग की तरफ बहुत ज्यादा बड़े डायमेंशन का होगा और बाहर की तरफ जब आएगा तो कम डायमेंशन का होता चला जाएगा, तो उसको नाम दिया रेड टेल्स का। स्वेल, स्वेल का मतलब होता है कि किसी वजह से जैसे अपन ने रैमिंग कम की है तो पूरा का पूरा जो मोल्ड रहेगा मेटलोस्टैटिक प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा मोल्ड की साइज चेंज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो हम बनाना चाहते थे वहां पर उससे कुछ बड़ी साइज का वहां पर बन के निकलेगा, उसको बोलते हैं स्वेल। स्वेल का मतलब फूलना। फूलेगा कब, जब मोल्ड की साइज चेंज होगी। मोल्ड की साइज क्यों चेंज होगी, क्योंकि मोल्टन जो मोल्ड मटेरियल है वो लूजली रैम की तरह पूरा मेटलोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। मेटलोस्टैटिक प्रेशर का मतलब जैसे अपन हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं ना, वैसे मेटल का जो स्टैटिक प्रेशर है वो मेटलोस्टैटिक प्रेशर हो गया वहां पर। एक लिखा है अपन ने ड्रॉप।
ड्रॉप कहाँ पे आएगा, ये ऊपर की सरफेस की आएगा, किसी वजह से ऊपर की सरफेस मोल्ड मोल्ड में ऊपर की सरफेस का हल्का सा मटेरियल निकल के नीचे गिर जाए तो मटेरियल किस में मिक्स हो जाएगा, इसी कास्टिंग मटेरियल के साथ मिक्स हो जाएगा और कुछ मटेरियल यहाँ पे हल्का सा भर जाएगा, तो यहाँ पे अपन को गड्ढा तो नहीं दिखेगा, एक प्रोजेक्शन टाइप का दिखना पड़ेगा, वो कहलाएगा ड्रॉप। सो दीज आर सम ऑफ द डिफेक्ट्स व्हिच अराइज बिकॉज ऑफ द मोल्ड, कट्स एंड वॉशेस, पेनिट्रेशन, लगभग एक ही प्रकार के होते हैं लेकिन नाम उनको यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। थोड़ा सा फ्यूजन बता दीजिए। फ्यूजन का मतलब होता है पिघलना, ठीक है ना। यदि सिलिका सैंड की रिफ्रैक्टरीनेस कम है तो मेटल के जो हीट है या टेम्परेचर है उसकी वजह से वो पिघल जाएगी बाहर की सरफेस, क्योंकि बाहर की सरफेस पे तो कॉन्टेक्ट में वो सैंड ग्रेन्स कॉन्टेक्ट में वहां पे, और वो चिपक जाएंगे किसके साथ में, इस सैंड की सॉरी इस कास्टिंग की आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस पे क्या होगा, हल्का से ग्लासी कांच जैसा अपीयरेंस वहां पे देखने लगेगा और वो चिपका रहेगा वहां पे किसके साथ में, सैंड कास्टिंग के साथ में, इसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। और सर ये रेड टेल रेड टेल कुछ नहीं है, पेनिट्रेशन जैसा ही है। पेनिट्रेशन किसी रैंडम शेप का होता है, रेड टेल क्या होता है, एक एक ही जैसा एक कहीं पे हल्का सा दिख रहा है तो उसको अपन रेड टेल बोल देंगे। और पेनिट्रेशन वो तो सर मशीनिंग से रिमूव हो सकता है ना, वैसे रिमूव हो सकते हैं, ये डिफेक्ट्स है लेकिन अपन खत्म कर सकते हैं इनको, ठीक है। ओके, अब आता है पोरिंग मेटल डिफेक्ट। मिश्रण का मतलब देखो, जैसे फिगर में दिख रहा है, जितना मटेरियल का मोल्टन मेटल का रिक्वायरमेंट था, कंप्लीट मोल्टन मेटल यहाँ पे नहीं पहुंच पाया तो कुछ खाली छूट गई है, इसको बोलते हैं अपन मिश्रण, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे अपन को कोल्ड सेट दिख रहा है, कोल्ड सेट कैसे दिख रहा है, मोल्टन मेटल हमने यहाँ से डाला, मोल्टन मेटल ऊपर की तरफ यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। तो यहाँ पे जब इस तरफ पे मोल्टन मेटल जब एंटर करता है तो उसके दो स्ट्रीम हो जाते हैं, पॉसिबल वेज हो जाते हैं, एक इधर से लेफ्ट साइड से एंटर कर सकता है, एक राइट साइड से एंटर कर सकता है। अब मान लो मोल्टन मेटल एंटर होने की स्पीड इतनी है कि ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो एक अलग ढंग की सॉलिडिफाई होगा, ये अलग ढंग की सॉलिडिफाई होगा और आपस में मिल नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे कुछ डिफेक्ट होगा जिसको अपन बोलते हैं कोल्ड शट, ठीक है ना। अब अगला आखिरी जो डिफेक्ट आता है वो आता है हॉट टीयर एंड हॉट स्पॉट। हॉट टीयर का मतलब है बीच क्रैक डेवलप हो जाए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था। एक्चुअली क्या होता है, जो कास्टिंग है यदि उसमें कुछ थिन सेक्शंस हैं, थिन सेक्शन चूंकि सबसे पहले सॉलिडिफाई होते हैं, कूल्ड होते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और वो निकल के चूंकि उसमें हल्का सा श्रंकेज होता है तो पीछे की तरफ आते हैं। यदि पीछे की तरफ आने के दौरान, मतलब श्रिंकिंग के दौरान, यदि जो सैंड मोल्ड मटेरियल है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है तो वो वहीं पे चिपके रह जाएंगे और उनमें हल्का सा क्रैक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे वो मटेरियल ठंडा और कहीं पे वो मटेरियल गर्म है, इसको अपन बोलते हैं हॉट टीयर्स। और हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है कि वो एरिया जो एकदम लास्ट में जाके लास्ट तक जाके गर्म बना रहता है और इतना आखिरी में जाके वो सॉलिडिफाई होता है, ठीक है। तो वहां पे चांसेस होते हैं किसके, हार्डनेस चेंज होने के चांसेस होते हैं। उन जगहों पे जब अपन मशीनिंग करते हैं तो या तो मशीनिंग ढंग से नहीं हो पाती है या टूल अपना जल्दी वियर होता है। तो हॉट स्पॉट को आइडेंटिफाई करके अपन उसकी डायरेक्शनल कूलिंग कर सकते हैं, किसके द्वारा, चिल्स के रखने के द्वारा। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं, इन डिफेक्ट्स में यदि आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अपने आपको अनम्यूट करो, पूछो। अपने पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कुछ सेकंड का टाइम बचा है, आप लोग पूछ सकते हो बेटा। गेस्ट इफेक्ट्स।